अच्छा दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक बहुत लंबी यात्रा पर। बहुत लंबी का मतलब है दिल्ली से कम से कम मुंबई तक की। तो आज हम आपको दिल्ली से मुंबई तक की यात्रा कराएंगे मोटरसाइकिल से। और क्या कहना था, और ये कहना था कि यात्रा हमने की थी सितंबर में। सितंबर का मतलब होता है मानसून के जस्ट बाद, और हरियाली बहुत अच्छी थी, मौसम भी बहुत अच्छा था। तो इसका यात्रा वृतांत तो तकरीबन तकरीबन हम ब्लॉग पे लिख चुके हैं, लेकिन बस थोड़ा सा वीडियो वृतांत यानी कि वी लॉग अभी आना बाकी है, जो कि आज आप देख रहे हो। तो दिल्ली से जयपुर की यात्रा हमने रात में की थी, उसकी शूटिंग वगैरह वीडियो वगैरह हमने नहीं बनाई थी, इसलिए आपको दिल्ली से जयपुर का सेक्शन हम नहीं दिखाएंगे। और वीडियो की शुरुआत करेंगे हम जयपुर से, जयपुर से इंदौर, इंदौर से नासिक, नासिक से फिर आगे त्र्यंबकेश्वर घूमते हुए मुंबई पहुंचेंगे। और जब आप ये वीडियो खत्म कर रहे होंगे तो आप मुंबई में होंगे, ठीक है? चलिए हमारे साथ, हम शुरुआत करते हैं जयपुर से। जयपुर में अपने एक पुराने दोस्त विधान के यहाँ से हम सुबह निकल पड़ते हैं। मैंने और विधान ने कई यात्राएं एक साथ की है, भानगढ़ साथ गए हैं, जांसकर भी गए हैं और करेरी झील भी गए हैं, हिमाचल में करेरी झील। जयपुर में हमारे बहुत सारे मित्र रहते हैं, हम सभी से तो नहीं मिल पाए, लेकिन समय निकाल कर कुछ मित्रों से मिले और अपनी आगे की यात्रा पर चल दिए। फिलहाल मोटरसाइकिल में एक छोटी सी समस्या आ गई है, इसका स्पीडोमीटर बंद हो गया है। मुझे लंबी बाइक यात्राओं में स्पीडोमीटर की बहुत जरूरत पड़ती है, इसलिए इसे ठीक कराना जरूरी है। अब ये ठीक हो भी जाएगा। अभी हम नसीराबाद के पास हैं, नसीराबाद, और दोपहर के 2 बजे, धूप बहुत तेज़ है बाहर, ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है, 6 लेन का काम चल रहा है, इस वजह से काफ़ी समस्या हो रही है बाइक चलाने में। अब हमने हल्का फुल्का कुछ खाया है, अगर हम भरपेट खाएंगे तो अभी के अभी नींद आ जाएगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा खा के थोड़ा थोड़ा रेस्ट कर करके चलेंगे। पैसे निकालने भी ज़रूरी होते हैं, और ये काम है दीप्ति का। हम हैं अभी राजस्थान में ही, भीलवाड़ा के आसपास कहीं।
अभी हम चित्तौड़गढ़ बाईपास पर उदयपुर जाने वाली रेलवे लाइन के ऊपर फ्लाईओवर पर खड़े हैं। शाम हो चुकी है और हमारे चारों ओर तरह तरह के पक्षी चहचहा रहे हैं। ये सीधी सड़क उदयपुर चली जाती है और हम यहाँ से लेफ्ट टर्न लेकर रतलाम की ओर मुड़ गए हैं, और यहाँ से भी हमें फिर लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा क्योंकि वो सीधी सड़क कोटा जाती है और हम लेफ्ट टर्न लेके जाना है हमें रतलाम होते हुए इंदौर। हल्का फुल्का कुछ खाकर आगे की यात्रा जारी रखते हैं। अभी हम रतलाम के आसपास हैं, आधी रात का टाइम है, इंदौर अभी भी बहुत दूर है, सुबह 4-5 बजे तक पहुंचेंगे। इसी तरह आराम करते करते हम इंदौर निवासी डॉक्टर सुमित शर्मा के साथ बहुत सारी यात्राएं कर चुके हैं और आज भी हमारा ठिकाना उनका घर ही बनता है। शाम को इंदौर के कई मित्र मिलने आते हैं और आधी रात को सर्राफा जाना कौन भूल सकता है चटोरपंती करने। एक दिन इंदौर में रुकने के बाद आज हम अपनी आगे की यात्रा शुरू कर देते हैं। इंदौर में सुमित के घर पर रुकना बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छी तरह से इन्होंने हमारी खातिरदारी करी और अब हम सुमित के पीछे पीछे चल पड़े हैं इंदौर शहर से बाहर निकलने के लिए। इंदौर शहर की किसी गली में सुमित रहता है, सुमित का घर है और अब यही हमें यहाँ से बाहर निकालेगा, मेन हाईवे पे लाके छोड़ देगा। तो फिलहाल इंदौर में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक तो नहीं दिख रहा है, खाली खाली सी सड़कें हैं और अब हमने सुमित को अलविदा कर दिया है और निकल पड़े हैं नेशनल हाईवे पर 4 लेन वाले मुंबई की तरफ। वो देख रहे हैं ना आप, एक झील है उसका नाम है संजय जलाशय, ये महू बाईपास पर है पीथमपुर के पास, महू बाईपास पीथमपुर के पास। चलिए इसके पास चलते हैं, बहुत बड़ी झील है, इसकी बैकग्राउंड में पहाड़ियाँ, हरी भरी जमीन, बहुत शानदार नजारा है, बहुत शानदार। आगे जब मुंबई की तरफ बढ़ते हैं तो हमें विंध्य की पहाड़ियां दिखती हैं और ये सड़क अब विंध्य की पहाड़ियों से होकर गुजर रही है मालवा के पठार को पार करके। इंदौर मालवा के पठार पे स्थित है और नीचे है नर्मदा नदी और ये है विंध्य की पहाड़ियां। 4 लेन का हाईवे, शानदार हाईवे बना हुआ है, ट्रकों का यातायात बहुत ज्यादा है और ये जो सेक्शन है विंध्य की पहाड़ियों को पार करने का ये बहुत रोमांचक है, बड़ा मजा आता है यहाँ पे बाइक चलाने में। ये भारत की सबसे बेहतर लोकेशन में से है बाइकिंग के लिए। और अब हम नर्मदा नदी पार कर रहे हैं, ये नर्मदा नदी है मध्य भारत की सबसे मुख्य नदी, मध्य प्रदेश की सबसे मुख्य नदी नर्मदा। थियोरेटिकली इसे पार करते ही दक्षिण भारत शुरू हो जाता है और वो सामने दिख रहा है खलघाट। हमने नर्मदा पार कर ली है और सामने दिख रहा है खलघाट। यहां से महेश्वर बहुत दूर नहीं है, महेश्वर बहुत प्रसिद्ध, बहुत बड़ी जगह है। नर्मदा पार करते ही अब हम सतपुड़ा की पहाड़ियों में आ गए हैं। यहाँ पर सतपुड़ा की पहाड़ियाँ उतनी घनी नहीं हैं जितनी अमरकंटक की तरफ है या फिर पचमढ़ी की तरफ है, यहाँ पर बहुत छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि हम सतपुड़ा से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन है ये सतपुड़ा का ही विस्तार। सतपुड़ा सेंधवा 11 किलोमीटर, सेंधवा में हमारे एक दोस्त रहते हैं मनोज धाड़ से, उनका नाम है मनोज धाड़ से, उनसे मिलते हुए चलेंगे, आपको भी मिलवाएंगे उनसे। और अब हम
सेंधवा की ओर मुड़ गए हैं नेशनल हाईवे से। ये सेंधवा जाने वाली सड़क है, थोड़ी खराब, थोड़ी टूटी फूटी, थोड़ी ठीक ठाक। नगर पालिका परिषद सेंधवा। चलो सुमित यादव नहीं आ रहे साहब? नहीं वो नहीं आए। चलो चलो आइए भाभी। जैसे ग्रुप से मतलब फर्स्ट आपको जो पहली बार घर आए? अच्छा कोई भी नहीं, बीनू भाई आए थे तो हम लोग नासिक में मिले थे, बीनू भाई थे। वो तो सीधे वहीं पहुंचे होंगे ट्रेन से। हाँ वो नासिक, नासिक में। हाँ नमस्कार, नमस्कार जी। नमस्ते बेटा। तो मनोज से विदा लेकर हम फिर से अपने आगे की यात्रा पर चल दिए हैं। सतपुड़ा की पहाड़ियां अभी भी हैं, लेकिन सेंधवा को पार करते ही थोड़ी दूर चलते 15-20 किलोमीटर के बाद फिर से ढलान है और हम सतपुड़ा की पहाड़ियों से नीचे उतर जाते हैं। फिलहाल हम सतपुड़ा की पहाड़ियों से नीचे उतर रहे हैं और जैसे ही हम इन पहाड़ियों से पूरी तरह से नीचे उतर जाएंगे तभी हम मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र में एंट्री कर लेंगे। ये पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, और महाराष्ट्र में सतपुड़ा नहीं है। वो सामने महाराष्ट्र दिख रहा है, महाराष्ट्र का मैदानी इलाका, और उसे बोलते हैं दक्कन का पठार, द प्लेट्यू ऑफ दक्कन। अब हम महाराष्ट्र में आ गए। महाराष्ट्र में हमने एंट्री कर ली है, एकदम सीधी साफ सुथरी सड़कें, साफ सुथरा माहौल और खाली टंकी। ये टंकी भी समय समय पर भरानी बहुत ज़रूरी होती है। आप भी आनंद लीजिए सूर्यास्त के इस नज़ारे का। अभी हम धुलिया के आसपास कहीं हैं और सूर्यास्त होने लगा है। ये देखिए क्या शानदार है, कुछ बादल हैं, कुछ सूरज है और हमारी रुकने की मजबूरी है। तो आज रात हम नासिक रुकेंगे अपने एक दोस्त के यहाँ। फिलहाल कॉफी पीते हैं और नासिक की ओर निकलते हैं। अगले दिन आज नासिक में, नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर महाराज के दर्शन करने के बाद आज हम निकल रहे हैं। त्र्यंबकेश्वर के पास ही ऊंची पहाड़ी पर स्थित है गोदावरी उद्गम। इन्हीं पहाड़ियों से गोदावरी नदी का उद्गम होता है, यहीं से गोदावरी नदी निकलती है। कुछ दूर तक बाइक से जाने के बाद आखिरी कुछ दूरी पैदल तय कर रहे हैं। त्र्यंबकेश्वर से सीधे पैदल का रास्ता भी है, पक्का रास्ता बना हुआ है और खाने पीने की कुछ दुकानें वगैरह भी हैं। जगह बहुत मनमोहक है, बहुत शानदार, बहुत रोमांचक। वहाँ पे कुछ गुफाएं हैं, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, इस क्षेत्र के बारे में हम यहाँ पे कुछ भी स्टडी करके नहीं आए थे, बस हमें यूं ही पता चल गया कि गोदावरी उद्गम है तो यहाँ पे चले आए। वो त्र्यंबकेश्वर शहर और चारों तरफ पहाड़ियाँ। ये कोई गुफा है इन्हीं पहाड़ियों में, यूं ही हम टहलने जा रहे हैं। गूगल मैप पे लिखा हुआ है गोदावरी उद्गम, तो हम गोदावरी उद्गम की तरफ चल दिए हैं। बाकी बहुत अच्छा लग रहा है, महाराष्ट्र में हम इस तरह से पहली बार घूम रहे हैं। बहुत शानदार खाने पीने की दुकानें और ये चाय चाय की आवाज लगाता हुआ और कोई चाय पीता हुआ।
और ये लोग अपने डंडे और पालकी लेकर तैयार, अगर कोई श्रद्धालु ना जा पाए तो। अरे बंदर बहुत है यहाँ पे, कैमरा वैमरा छीन लेंगे। रास्ते में बैठे हैं हैं। तो इस तरह घूमते घामते दिल्ली से चलने के 5 दिन बाद हम पहुंच जाते हैं मुंबई। यहाँ भी हमारे बहुत सारे दोस्त रहते हैं। चारों तरफ गणेश उत्सव की धूम है, हर तरफ गणपति विराजमान है। संगीता बालोदी जी के घर पे हम 2 दिन रुकते हैं, फिर चारू दुबे से मिलना होता है और सबसे बाद में सबसे बढ़कर प्रतीक से मिलना होता है। प्रतीक ने यहाँ मरीन ड्राइव पर बैठकर आगे के रास्ते में हमें इतना कुछ बता दिया कि हमने आगे इसे ही फॉलो किया। तो दोस्तों, आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा बताना जरूर। हमारी इस सीरीज को देखते रहिए और अपने दोस्तों को भी दिखाते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके।